हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन करने बैठते तो काफ़ी समय और पैसा लग जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से समय और पैसे की बचत कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप, अक्सर आपने देखा होगा बच्चे क्या करते हैं, जो क्रेयॉन का इस्तेमाल करते हैं ना ड्राइंग बनाने के लिए, वो खेल खेल में इस तरह से जो दीवारें होती हैं उनमें ड्राइंग कर देते हैं, कुछ ना कुछ बना देते हैं, जिससे क्या होता है ये बहुत ज़्यादा गंदी लगने लगती हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको हाथ से छुड़ाते हैं या कोई गीला कपड़ा करके छुड़ाते हैं तो ये और ज़्यादा फैल जाता है और दीवार बहुत ज़्यादा गंदी लगने लगती है। तो बहुत ही सिंपल और यूज़फुल आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इस क्रेयॉन के दाग को हटा सकती हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है व्हाइट कोलगेट पेस्ट, और जहाँ भी बच्चों ने इस तरह से क्रेयॉन से ड्राइंग बनाई है आपको वहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगाना है, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर आपको लगा देना है। फिर आपको क्या करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसके ऊपर रफ करना है। यहाँ पे कोई भी कपड़े का यूज़ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से पेस्ट को लगाना है। यहाँ पे पानी भी इस्तेमाल नहीं करना है। आप देखेंगे जैसे ही आप इसको हल्का हल्का रगड़ना शुरू करेंगे ना, जो भी कलर का क्रेयॉन होगा ना वो पूरा पेस्ट में एब्जॉर्व हो जाएगा और देखिएगा दीवार आपकी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। तो बहुत ही सिंपल सा जुगाड़ू आइडिया, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, इस तरह से दीवारों पे ड्राइंग बनाते हैं, अगर स्केच से भी बनाते हैं तो आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे ना तो पूरी तरह से दाग क्लीन हो जाएगा। जब पूरी तरह से दाग क्लीन हो जाए उसके बाद आप कोई भी गीला कपड़ा लीजिए, उससे पोंछ लीजिए, फिर आप कोई भी सूखा कपड़ा लेकर अच्छे से पोंछ दें। आप देखेंगे जो भी दाग था वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। इस तरह से बच्चे जब दीवारें गंदी कर देते हैं तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं इसको कैसे हटाएं, दीवारें भी बहुत गंदी लगती हैं। अगर बच्चे इस तरह से दीवार में कलर करें तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप, आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 चम्मच गेहूं का आटा लेना है। तो यहाँ पे मैं उस आटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, जब हम लोग रोटियाँ बेलते हैं तो साइड में जो बर्तन गिरता है ना, मैं इसको इकट्ठा करके रख लेती हूँ। इसकी रोटियाँ तो गाय को खिला देती हूँ, लेकिन आज मैं आपको अलग सा यूज़ बताऊँगी। यहाँ पे करीबन 2 चम्मच आपको गेहूँ का आटा लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ले लेना है सिट्रिक एसिड, आपने इसको देखा होगा, इसको नींबू का सत्व भी बोलते हैं। आपको 1 चम्मच सिट्रिक एसिड लेना है, इस आटे में मिक्स कर देना है। तो करीबन 1 चम्मच पूरा फुल भर के आपको लेना है, दोनों चीज़ों को मिक्स कर देना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे जो बहुत ही इसको पावरफुल बना देंगी। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पे वाइट वाला नमक, इसको भी आपको 1 चम्मच लेना है। सेम क्वान्टिटी आपको रखना है, खाली आपको यहाँ पे 2 चम्मच आटा और 1-1 चम्मच आपको यहाँ पे सिट्रिक एसिड और 1 चम्मच सफ़ेद नमक। उसके बाद आपको यहाँ पे 1 चम्मच लेना है खाने वाला सोडा। तो बस यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को आपको मिक्स कर देना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया और ये बहुत ही काम आने वाला है। आपको क्या करना है, इसको बना करके एक बॉक्स में रख लेना है ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई नमी ना जाए। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने देखा होगा एल्युमिनियम के बर्तन होते हैं, तांबे के, पीतल के बर्तन हो जाते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं, होता क्या इसके दाग धब्बे नहीं जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एल्युमिनियम का भगोना लिया है, आपने देखा होगा कुछ भी पानी बॉयल करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें इसमें बनाते हैं जिसमें एक दाग बन जाता है, काला धब्बा, जिसको अच्छे से हम लोग माँजते भी लेकिन साफ नहीं होता है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करिएगा। यहाँ पे जो पाउडर हमने बनाया है ना पूरा मिक्सचर, आप इसको एक बॉक्स में बना कर रख लीजिए। यहाँ पे 1/2 चम्मच मैंने डाला है, बस यहाँ पे किसी भी प्रकार का डिटर्जेंट पाउडर का यूज़ नहीं करना है, बस आपको 1/2 चम्मच इसको डालना है पाउडर को, और अच्छे से कोई भी स्क्रबर जो आप यूज़ करती हैं आप इसको इस्तेमाल करिए। आप जब इसको जैसे ही साफ करेंगे ना, डाल के जैसे ही चलाएंगे थोड़ा सा ना, तो वैसे देखेंगे जो भी कालापन है भगोने का वो पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। ऐसे लगेगा बिल्कुल आपने नया भगोना निकाला है, क्योंकि एल्युमिनियम के बर्तन में जो काले दाग धब्बे कुकर में लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं। तो आपको इस ट्रिक का यूज़ करना है। इस तरह से जैसे ही आप मांजना शुरू करेंगे पूरी तरह से बर्तन क्लीन हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है। तो आप क्या करिए, इस पाउडर को डाल के 5 मिनट छोड़ दीजिए, अपने यहाँ पे पूरी तरह से बर्तन साफ़ हो जाए। लेकिन मैं आपको यहाँ पे तुरंत क्लीन करके दिखा रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्क्रबर का यूज़ किया है। ये देखिए जितना भी उसका कालापन था पूरी तरह से साफ़ हो गया है। मैं अभी आपको साफ भगोने को अच्छे से कपड़े से पोंछ करके दिखाऊंगी कि कितने अच्छे से जितने भी इसके काले दाग धब्बे थे वो पूरी तरह से क्लीन हो गए। तो बस आप इस पाउडर को ज़रूर बना के रखिएगा। जितने भी स्टील के बर्तन, तांबे के बर्तन, जो भी आपके पास हो, पीतल के बर्तन आप क्लीन करना चाहती है, तो किसी भी प्रकार का केमिकल का यूज़ ना करें, बस इस पाउडर को बना के रख लीजिए, थोड़ा सा डालिए और बहुत ही अच्छे से जितने भी बर्तन होंगे आपके क्लीन हो जाएंगे। यहाँ पे बर्तन को देखिए मैंने अच्छे से सुखा दिया, कपड़े से पोंछ दिया, बिल्कुल कालापन नहीं है और बर्तन जो भगोना है ना बहुत ही अच्छे से चमक उठा है। तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से मसाले को लेकर, अक्सर हम लोग कोई सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं तो प्याज और लहसुन मिर्चा ज़रूर पीसते हैं, टमाटर हम लोग ऐसे भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैं आपको
बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊंगी कि एक बोतल की हेल्प से आप मसाले को कैसे पीस सकती हैं। होता है ना कभी कभी जैसे खल कुटनी ना हो या हम लोग मिक्सर चलाना नहीं चाहते, थोड़ा सा ही मसाला हम लोग को पीसना है तो उस समय पर क्या करें, तो आपको यहाँ पर मिक्सी चलाने की ज़रूरत नहीं है, खल्ला कुटनी की भी ज़रूरत नहीं है। होता है कभी नहीं मिल रही है या गंदी पड़ी हो तो उस समय पर आप स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कहीं बाहर घूमने गए हैं वहाँ पर आप कुछ बना रहे हो तो हम लोगों को इस तरह से मसाला पीसने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे आप बॉटल का इस्तेमाल करिए, यहाँ पे मैंने बड़ी बॉटल ली है तो बस आपको क्या करना है, नीचे का जो पोर्शन होता है ना बॉटल का आप उसको ले लीजिए। देखिए एमरजेंसी पे स्टिक का यूज़ कर सकती है, मैंने इसको यूज़ किया तो आपके साथ शेयर किया। आपको क्या करना है, बॉटल का नीचे वाला पार्ट कट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं थोड़े से प्याज और लहसुन और मिर्चा लूँगी, तो इसको कैसे आपको पीसना है, यहाँ पे इस तरह से डाल लेना है और जो मिर्ची पूरी समूची हुई है ना तो आप उसको थोड़ा सा कट कर लीजिए, जिससे क्या होगा आप बहुत ही अच्छे से मसालों को क्रश कर पाएंगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप मिक्सी का ही इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने प्याज डाल लिया, लहसुन डाल लिया, यहाँ पे कुछ मिर्चे आपको टुकड़े के पीस कर लेने हैं मिर्चे के, इजी तरीके से हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे किसी प्रकार से भी कोई बेलन ले लीजिए आप या कोई ऐसी चीज़ लीजिए जिससे आराम से ये कूट जाए। तो देखिए जो बॉटल का नीचे वाला पार्ट होता है थोड़ा हार्ड होता है, आप बेलन से जब करेंगे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, जो भी लहसुन है प्याज है मिर्ची आप देखिएगा बहुत ही अच्छे से ये क्रश हो जाएगा एकदम। देखिए मिक्सी की तरह ये पीसेगा नहीं लेकिन इतने अच्छे से क्रश हो जाएगा कि आप इसकी सब्जी अच्छे से बना सकती हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे से मसाला हम लोग का क्रश हो गया है, पीस गया है। यहाँ पे कोई भी खलल कुटनी की ज़रूरत नहीं पड़ी हम लोग को, ना ही मिक्सर ग्राइंडर चलाने की ज़रूरत, बस आप इस तरह से मसाले को कूट लीजिए। इस तरह से आप सब्जी बनाएंगी तो बहुत ही अच्छे से बनेगी, किसी भी खलल कुटनी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एमरजेंसी पे आप स्टिक का यूज़ कर सकते हैं, बस बॉटल को लीजिए और इस तरह से कोई भी भारी चीज़ से आप कूटेंगे ना तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसका मसाला बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बॉटल से मसाले को एक कटोरी में इंसर्ट कर लिया है, अब इसमें मसाले मिक्स करके बहुत ही अच्छे से सब्जी को बना सकते हैं और ये पूरी तरह से पिसा नहीं लेकिन बहुत ही अच्छे से क्रश हो गया है। तो आप इस जुगाड़ू आइडिया को एक बार ट्राई कर सकती हैं, जैसे घर पे कभी इमरजेंसी पड़े तो स्टिक का यूज़ ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। आप इस तरह का कोई भी एक टिश्यू पेपर ले लीजिए, थोड़ा सा मोटा वाला लीजिएगा, चाहे आप डबल फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद आपको लेना है यहाँ पर नमक, तो बस यहाँ पर और कोई चीज़ हम लोग ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ पर सफ़ेद वाला नमक लेना है जो हम लोग अपने किचन में यूज़ करते हैं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया शेयर करूंगी जो हर लेडीज़ के लिए बहुत ही काम आने वाला है, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करिएगा और ये बहुत ही यूज़फुल भी है। यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से आपको एक फोल्ड कर लेना है टिश्यू पेपर का, तो आप यहाँ पे कॉटन कपड़ा भी ले सकती हैं और आपको यहाँ पे ले लेना है टिश्यू पेपर, इस तरह से एक रबर बैंड से कवर कर देना है, ज़्यादा टाइटली आपको नहीं करना है। यहाँ पे जो नमक है वो बाहर ना निकले, बस आपको इस तरह से पैक करना है, अपने पर्स में डाल देना है। इससे दो फायदे हम लोगों को होंगे, पहला फ़ायदा जैसे हम लोग अपना पर्स लेकर कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट जाइए, शॉपिंग करने जाए, सब्जी खरीदने जाए तो पर्स का यूज़ ज़रूर करते हैं, तो होता है ना जब हम लोग घर वापस आते हैं तो कोई भी बाहरी निगेटिविटी हम लोगों के साथ घर वापस ना आए, तो आपको क्या करना है, इस तरह से एक नमक का पैकेट बना लेना, मतलब इस तरह से पोटली बनानी है आपको और इस तरह से अपने पर्स में डाल देना है। इस तरह से क्या होगा, कोई भी बाहरी निगेटिविटी अगर आपके साथ आती होगी तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी, आपसे दूर रहेगी। और दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जो पर्स से बैड स्मेल आती है ना बरसात के समय में, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आप इस ट्रिक का ज़रूर ट्राई करिएगा, इससे आपको बहुत ही फायदा आने वाला है, बहुत ही आजमाई हुई ट्रिक है, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।